सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा पाँच में विषय हिंदी पाठ तीसरा यानी पाठ थ्री रीड करेंगे शूलपाणि। प्यारे बच्चों, यह कहानी महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित है। श्याम ढलने लगी थी। भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नामक ग्राम के एक चैत्य में पहुँचे। विहार घूमना यानी महावीर स्वामी घूमते हुए एक चैत्य यानी चैत्य क्या होता है बच्चों, मठ में पहुँचे। ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे, तभी उन्हें भगवान महावीर के आगमन का समाचार मिला। आगमन क्या होता है बच्चों, आना का समाचार मिला। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। भगवान महावीर जिस चैत्य में ठहरे हुए थे उसी में शूलपाणि नामक एक क्रूर निर्दयी नर पिशाच बच्चों दुष्ट व्यक्ति रहता था। वह अपने हाथ में एक शूल जैसा नुकीला हथियार रखता था, इसी कारण उसका नाम शूलपाणि पड़ गया था। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सर्प था जिसके काटने से कोई जीवित नहीं बचता था। चैत्य बहुत पुराना होते हुए भी बहुत सुंदर था। चैत्य मठ बहुत पुराना होते हुए भी बहुत सुंदर था। उसके समीप ही गडक नदी बह रही थी। सामने रमणीक उपवन था यानी मनोहर, रमणीक क्या होता है, मनोहर उपवन था। उसमें हर समय रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलते रहते थे। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक विशाल वृक्ष था। भगवान महावीर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव वाले एक एक करके आते गए और उनके चरणों का स्पर्श करके उनके सामने भूमि पर बैठते गए। थोड़ी ही देर वहां सारा गांव एकत्रित यानी इकट्ठा हो गया। भगवान महावीर ने उन्हें धर्म का उपदेश दिया। गांव वालों को उनका उपदेश बहुत अच्छा लगा। उपदेश की समाप्ति पर भगवान महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने को कहा, पर वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। गांव वालों ने उनसे गांव में चलने का आग्रह है किया। भगवान महावीर ने इनकार कर दिया। गांव के मुखिया बोले, प्रभु इस चैत्य में एक नर पिशाच रहता है, वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात में यहाँ ठहरता है या इधर से गुजरता है वह उसे मार डालता है। भगवान महावीर उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, वह मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा यानी अहित यानी कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। इतना कहकर वे समाधि लाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से लौट गए। कुछ समय पश्चात अंधेरा हो गया। शूलपाणि बाहर से लौटा, उपवन में एक व्यक्ति की समाधि लगाए बैठे देखकर चौंका। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। वह भगवान महावीर को गालियां देने लगा। उसने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। भगवान महावीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वे समाधि लगाए बैठे रहे। क्रोधित होकर शूलपाणि ने कौशिक नाग यानी सांप नाग के तो सांप से कहा, तुम इस दुष्ट महात्मा को काट लो। कौशिक फुकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक जरा सोचो, तुम क्या करने जा रहे हो, ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। भगवान महावीर की अमृतीय वाणी सुनकर सर्प सम्मोहित हो गया। वह जहाँ का तहाँ
तहां रुक गया। शूलपाणि और अधिक क्रोधित हो उठा। वह चिल्लाया, कौशिक, तुम इस दुष्ट महात्मा के कहने से क्यों आ रहे हो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा है? मैं नहीं जानता था कि तुम इतने धूर्त निकलोगे। धूर्त क्या होता है बच्चों? कपटी। अब मैं स्वयं इसका वध कर देता हूँ। शूलपाणि ने अपना शूल उठाया। जैसे ही उसने भगवान महावीर पर हमला करना चाहा, कौशिक नाग ने उसे ही डस लिया। शूलपाणि धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे तड़पते देखकर भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, शूलपाणि घबराओ मत, मैं अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा इलाज करता हूँ। भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए। अंधेरा होने के कारण उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी, फिर भी उन्होंने जड़ी बूटी खोज ही ली। जब वे लौटे तो गांव के बहुत से लोगों को वहां पाया। भगवान महावीर ने जड़ी बूटी घिसकर शूलपाणि का उपचार करना आरंभ किया तो गांव के मुखिया ने कहा, भगवान इसे न बचाइए, यह हत्यारा और पापी है। यह निर्दोष लोगों को सताता है, अतः इसे मर जाने दें। महावीर स्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन ठीक है, इस समय शूलपाणि कष्ट में है। हमें कष्ट में पड़े जीव की मदद करनी चाहिए। शूलपाणि का स्वभाव है दूसरों को कष्ट देना और मेरा स्वभाव है दूसरों की सहायता करना। लोग चुप हो गए। कुछ ही देर में शूलपाणि स्वस्थ हो गए, यानी शूलपाणि ठीक हो गया। वह उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझ अज्ञानी को माफ़ कर दे। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप जो चाहे सजा दे। भगवान महावीर ने उसे उठाते हुए कहा, उठो वत्स, सच्चे मन से किया गया पश्चाताप, सच्चे मन से किया प्रायश्चित ही सबसे बड़ी सजा है। प्रायश्चित क्या होता है बच्चों? पश्चाताप करना। मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दें। मैं प्रण करता हूँ कि अब किसी को नहीं सताऊंगा, शूलपाणि ने कहा। भगवान महावीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, आज से तुम मेरे शिष्य हुए, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, यह तुम्हारे लिए दीक्षा है। महावीर स्वामी से दीक्षा पाने के उपरांत शूलपाणि का जीवन दर्शन ही बदल गया। अब वह परोपकार से जीवन व्यतीत करने लगा। ये बच्चों हमारा थर्ड लेसन कंप्लीट हो गया। इस लेसन से बच्चों हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अब करेंगे बच्चों हम शब्दार्थ, विहार घूमना, आगमन आना, नरपिशाच नीच एवं दुष्ट व्यक्ति, एकत्रित जमा इकट्ठा, आग्रह
हठपूर्वक प्रार्थना। नाग, ना क्या था बच्चों, काले रंग का बड़े फन वाला सांप। धूर्त, कपटी। उपचार, उपचार क्या होता बच्चों, इलाज। दीक्षा, पवित्र मंत्रोपदेश। चैत्य, मठ आश्रम। करूर, निर्दयी हिंसक। रमणिक, मनोहर। धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश। अहित, बुराई, अपकार, हानि। सम्मोहित होना, वश में होना। आक्रमण, हमला। प्राश्चित, पश्चाताप, पछतावा। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे शब्दार्थ।